केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सोलर एनर्जी में भारत दुनिया का लीडर बनकर उभर रहा है। शेखावत ने आज जोधपुर में दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट देश को समर्पित किया है, जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम योगदान देगा। उन्होंने कहा कि भारत और सौर ऊर्जा के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। समझौते के बाद में भारत ने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को विश्व के सामने रखा था। पेरिस समझौते से जब अमेरिका ने अपने आप को अलग किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि पेरिस या बिना पेरिस, भारत की प्रतिबद्धता पर्यावरण को लेकर के स्पष्ट है और हम पर्यावरण की रक्षा के लिए जो कुछ कर सकते हैं उन सब मापदंडों पर काम करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीति बनी कि देश में 175 गीगावाट क्षमता जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की विकसित की जानी चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि कल जो प्लांट इनॉग्रेट किया है उसके साथ में भारत 100 गीगावाट के लक्ष्य तक पहुंच गया है और दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक देशों में से एक बना है। ग्रीन एनर्जी अलायंस जो बना, सोलर एनर्जी अलायंस बना, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर बना, आज पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेशली सोलर एनर्जी में भारत जो है वो दुनिया का लीडर बनकर के हो रहा है।